हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बता दें कि कल जो है लोकसभा 2024 का चुनाव का रिजल्ट आ गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस रिजल्ट के आने से जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय पर या नियमितीकरण को लेकर या पेंशन बहाली को लेकर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कितने रुपये होगी, उसके बाद आशा आंगनवाड़ी का मानदेय क्या अब दोगुना होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये बता दें कि कल जो है लोकसभा 2024 के चुनाव का रिजल्ट आ गया है, लेकिन फ्रेंड्स ना ही बीजेपी यानी कि एनडीए पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, और ना ही जो है कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की पार्टी को भी जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर एनडीए यानी कि अगर बीजेपी अपना ही सरकार बनानी चाहती है या इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस अगर अपनी सरकार केंद्र में बनानी चाहती है तो दोनों लोगों को जो है किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार का जो है प्लस पॉइंट रहने वाला है नीतीश कुमार, यानी कि फ्रेंड्स नीतीश कुमार जी किसकी तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ वे जाएंगे उसी की जो है सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार में जो है उनकी लगभग 30 सीटें निकली हुई है। और देखिए फ्रेंड्स अगर नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर देते हैं तो इंडिया गठबंधन की ही सरकार केंद्र में बनेंगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर बीजेपी में जाकर जो है इनके द्वारा सपोर्ट कर दिया जाता है तो बीजेपी की सरकार ही केंद्र में बनेगी। फ्रेंड्स इस बात को लेकर जो है दोनों पार्टियों द्वारा चर्चाएं चल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों पार्टियों को जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से पता है कि बिना उन्हें शामिल किए जो है हम लोगों की सरकार नहीं बन सकती है। हालांकि फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है इस बात तक का जो है ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया है कि आप जो है हमारी पार्टी में सम्मिलित होइए, हम जो है आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स बीजेपी जो है इन्हें किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, ये भी बातें जो है श्योर है। इसी वजह से फ्रेंड्स नीतीश कुमार का जो है पूरा संभावना लग रहा है कि इनके द्वारा जो है इंडिया गठबंधन की ओर आने की पॉसिबिलिटी एकदम से दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या होगा इसके बारे में जो है शाम तक डिसाइड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर नीतीश कुमार जी द्वारा इंडिया गठबंधन में आया जाता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, यानी कि जो पीएम होगा ये कांग्रेस पार्टी का ही पीएम केंद्र में बैठेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है इन सारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, जैसे कि ठेकेदारी प्रथा इनके द्वारा खत्म की जाएगी, उसके बाद जो है आशा आंगनवाड़ी का मानदेय दुगुना होगा, और जो भी मनरेगा मजदूरी है इसे 400 रुपये इनके द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी जो है इसके बारे में शाम तक डिसीजन हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स कल जो है राहुल गांधी जी द्वारा जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी तो शाम को जो है इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो इनके द्वारा जो है इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां जहां पर इनकी सीटें निकली हुई है वहां वहां के जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इनके द्वारा जो भी अपने लोकसभा चुनाव 2024 के मैनिफेस्टो में जिस जिस बात का अनाउंसमेंट किया गया था ये सारा लाभ जो है इनके द्वारा देने की बात की गई है। इनके द्वारा जो है ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र में चाहे मेरी सरकार बने या किसी और की सरकार बने, लेकिन हमारे द्वारा जो भी चीज़ें अनाउंसमेंट किया गया है उसका लाभ जो है हम सभी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है कि अगर मेरी सरकार नहीं बनेगी तो हम जो है जो 8,500 रुपये प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को देने की बात किए थे इन सारी महिलाओं को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि फ्रेंड्स कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इनकी सरकार केंद्र में नहीं भी बनती है तो इनके द्वारा जिन जिन बातों का अनाउंसमेंट किया गया था इन सारी बातों का जो है लाभ इन सभी लोगों को मिलेगा। जैसे कि इनके द्वारा जो है ये चीज़ें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था
कि हमारे द्वारा जो है ठेकेदारी प्रथा पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को परमानेंट किया जाएगा और जो भी आशा आंगनवाड़ी हैं इन लोगों की मानदेय जो है दुगना करने की बात भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया। और फ्रेंड्स जो भी मनरेगा मजदूरी है इसका जो एक दिन का मजदूरी है इससे 400 रुपये की जाने की बात इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। यानी कि फ्रेंड्स अब कुल मिलाकर बात यही डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार किसकी तरफ जाते हैं। अगर फ्रेंड्स केंद्र में जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जितना भी अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया था इन सारी अनाउंसमेंट का लाभ जो है आप लोगों को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार बैठती है तो आप लोग जो है ये चीज़ें श्योर मान कर चलिए कि आप लोगों के यहाँ से ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म होगी और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जो है इन सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना हुआ और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी है इन लोगों को परमानेंट करने को लेकर और इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर, तो ऐसा जो है किसी भी तरीके का आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फ्रेंड्स कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा जो है इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया कि जहां जहां पर मेरी सीटें निकली हुई है वहां के जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं इन लोगों को परमानेंट हमारे द्वारा किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ठेकेदारी प्रथा पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी और जो भी आशा आंगनवाड़ी है इनका मानदेय दुगना कर दिया जाएगा और जो भी मनरेगा मजदूरी है इससे जो है 400 रुपये की जाने की बात इनके द्वारा की गई थी। हालांकि फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है 8,500 रुपये जो देने की बात की गई थी तो अभी जो है इनके द्वारा इस बात का जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार केंद्र में बनेगी क्योंकि फ्रेंड्स ना ही कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और ना ही जो है बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स अब जो है यही चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो सपा पार्टी का प्रदर्शन है यूपी में ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स अगर बीजेपी आज कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से दूर रह गएगी तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूपी, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी में आप लोगों को बता दें कि सपा पार्टी की लगभग 43 सीटें निकली हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि फ्रेंड्स इस बार का जो सपा का 43 सीट यूपी में निकला हुआ है तो इसका लाभ जो है आप लोगों को अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स इस बार के विधानसभा में जो है काफ़ी चीज़ों का अनाउंसमेंट विपक्षी पार्टियों द्वारा और जो पार्टी सरकार में है इसके द्वारा किया जाएगा, जैसे पुरानी पेंशन को लेकर हुआ, उसके बाद जैसे अनाज जो है 5 किलो की हो जाए 10 किलो देने की बात की जाएगी, उसके बाद गैस का दाम जो है 500 रुपये किया जाएगा और जो भी शिक्षक भर्ती है इसे जो है निकाली जाएगी इस बार और जो भी भर्तियाँ वगैरह निकाली जाती है इसे जो है स्वच्छ तरीके से पूरी करा ली जाएगी। तो फ्रेंड्स इस बार का विधानसभा का चुनाव भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।